आज की वीडियो में हम किसी टेबल में कॉलम या रो को डिलीट करने के दो तरीके सीखने वाले हैं। पहला तरीका है, जिस भी कॉलम को हम डिलीट करना चाह रहे हैं या जिन कॉलम्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके लेआउट टैब में डिलीट में आप हमें मिलेगा डिलीट कॉलम्स। तो दोनों कॉलम जो सिलेक्टेड थी डिलीट हो गई हैं। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही रो को डिलीट करना हो तो जिन रोज़ को हम चाह रहे हैं उन रोज़ को हमने सेलेक्ट किया, जितने भी रो हम चाहते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में हमें मिलता है डिलीट और डिलीट रोज़। तो जितनी भी रो सेलेक्ट की थी वो रो डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये तो पहला तरीका होगा कॉलम या रोज़ को डिलीट करने का। दूसरा तरीका है, जिन कॉलम्स को हम चाह रहे हैं उन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया और डायरेक्ट हमें राइट क्लिक पर भी ऑप्शन मिल जाता है डिलीट कॉलम्स। तो डिलीट कॉलम पर क्लिक करते ही दोनों कॉलम जो सिलेक्टेड थी डिलीट हो चुकी है, कंट्रोल जेड। ऐसे ही जिन रोज़ को हम चाह रहे हैं उन्हें सेलेक्ट किया, राइट क्लिक पर हमें मिलता है डिलीट रोज़। तो डिलीट रो पर क्लिक करते ही रोज़ डिलीट हो गई जो सिलेक्टेड थी, ठीक है। तो अगर रो सिलेक्टेड हैं तो डिलीट रो लिखा हुआ आता है, और अगर कॉलम सिलेक्टेड है तो डिलीट कॉलम लिखा हुआ आता है। कॉलम्स और रोज़ को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हो गए हैं। लेआउट टैब में डिलीट ऑप्शन में जाकर डिलीट कॉलम या डिलीट रोज़, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट राइट क्लिक करने पर हमें डिलीट कॉलम या डिलीट रोज़ मिल जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।